हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। ये बहुत ही फेमस डिश है और बहुत ही इजी है, घर पे ही आप बना सकते हो रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन। और इसकी जो ग्रेवी रहती है वो बहुत ही क्रीमी रहती है। तो बनाना शुरू करते हैं बटर चिकन। यहाँ पर पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। याद रखिए, बटर चिकन में दो बार मैरिनेट किया जाता है चिकन को। तो ये फर्स्ट मैरिनेट हमने करके रखा है। मैरिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है। उसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून लेमन जूस, और सब मसाले अच्छी तरह से मिला के हमें हाफ एन आवर तक रखना है। आपसे पॉसिबल हो तो ज़्यादा टाइम आप रख सकते हो मैरिनेट करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन होके तैयार है। अभी दूसरे मैरिनेशन की हम तैयारी करेंगे। यहाँ हमने 100 ग्राम दही लिया है। उसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। सिर्फ दही के हिसाब से ही हमें नमक डालना है, क्योंकि चिकन में नमक डाला हुआ है। 1 स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून डालेंगे तंदूरी चिकन मसाला, एंड 1/2 टीस्पून के तकरीबन हम डालेंगे इसमें ऑरेंज कलर। 1 स्पून डालेंगे बटर, मेल्टेड बटर यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और 2 स्पून डालेंगे इसमें हम राई का तेल, जिसे सरसों का तेल कहते हैं। सरसों के तेल से इसका फ्लेवर जो है अलग ही हो जाता है। 1 स्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून डालेंगे नींबू का रस। ये सब मसाले दही के साथ हम अच्छी तरह मिला देंगे, और जो हमारा चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसमें हम ये मैरिनेशन डाल देंगे। मसाले अच्छी तरह मिला देंगे और कम से कम हाफ एन आवर के लिए इसको हम ढक के रख देंगे, जिसे सब मसाले अच्छी तरह चिकन एब्जॉर्ब कर ले। और अगर आपके पास टाइम हो तो 2 से 3 घंटे भी रख सकते हो चिकन को मैरिनेट के लिए। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट होता है, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ हमने लिए हैं 8 टमाटर, जिसको हमने हाफ करके बॉयल करना है। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि टमाटर में पानी रहता है ऑलरेडी। इसको हमने 2 सीटियां लगा देनी है, और बॉयल होने के बाद हमें इसको ग्राइंड कर लेना है हैंड मिक्सी से। ग्राइंड करने के बाद हमें छन्नी की मदद से इसको छान लेना है, जैसे सीड्स हो, जो भी अगर कोई स्किन भी है टमाटो की तो वो अलग हो जाए। ये देखिए, हमारा जो है टमाटर का प्यूरी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ हमने लिए हैं 2 बड़े चम्मच बटर, 1 स्पून हम इसमें लेंगे शुगर, आप चाहें तो हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अखे मसाले में हम ले रहे हैं 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लवंग, 1/2 टीस्पून जीरा, दालचीनी और 3 तेज़पत्ते। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे 1 स्पून ऑयल। अभी हम इसमें डालेंगे बटर। याद रखिए, कभी भी अगर आपको बटर का यूज़ करना है तो पहले थोड़ा ऑयल डाला जाता है। अभी हम इसमें डालेंगे दालचीनी और तेज़पत्ता, लवंग, छोटी इलायची और 1/2 टीस्पून जीरा। ये जैसे ही मसाले अच्छी तरह खुशबू छोड़ना शुरू करेंगे, हम डालेंगे 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1/2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, जो हमने घर पे तैयार की है। आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो टमाटो प्यूरी। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 स्पून डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, उससे उसका कलर अच्छा आता है ग्रेवी का। और ये मसाले अच्छी तरह मिला के इसे हम 5 से 10 मिनट पकने देंगे, जैसे इसका टमाटर का कच्चापन निकल जाए और ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। तब तक हम साइड बाय साइड चिकन को फ्राई करना शुरू करते हैं। हमने 3 बड़ा चम्मच डाला है ऑयल का। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा, हम इसमें चिकन डालेंगे। स्मॉल स्मॉल बैचेस में हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को जो है हम फास्ट फ्लेम पर ही पकाएंगे, क्योंकि दही ही इसमें डाला हुआ है तो चिकन पानी छोड़ता है ज़्यादा,
तो हमें ध्यान देना है, ढक के रख नहीं देना है, नहीं तो पानी ज़्यादा शोर शोर के चिकन जो है पक भी जाएगा और हार्ड हो जाएगा। इसीलिए हम इसको फास्ट गैस पर ही पकाएंगे 5 मिनट पहले। इसके बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे। आप देखेंगे इसका पानी जो है सूख जाता है। पानी सूखने के बाद हम इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ही, ज़्यादा नहीं पकाना है फिर हमें इसे। और मैरिनेट किया हुआ रहता है चिकन तो वो जल्दी ही पक जाता है। ये देखिए हमारा चिकन फ्राई होकर तैयार हो चुका है। इतना अच्छा गोल्डन कलर आया है चिकन को और कितना कुरकुरा लग रहा है दिखने में। ग्रेवी के लिए और जो हमें अभी लगेगा, कसूरी मेथी 1 स्पून, 2 भरे चम्मच फ्रेश क्रीम, 1 स्पून गरम मसाला। ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, कितना अच्छा ऑरेंज कलर आया है। अभी हम इसमें डालेंगे चिकन जो हमने फ्राई कर लिया है। चिकन को हम अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिला देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम 2 बड़े चम्मच और क्रीम को अच्छी तरह से मिला देंगे चिकन के साथ। अभी हम इसमें डालेंगे 1 स्पून गरम मसाला। कसूरी मेथी 1 स्पून शक्कर। टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए शक्कर का यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो हनी भी यूज़ कर सकते हो 1 स्पून। ये मसाले हम अच्छी तरह चिकन के साथ मिला देंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास के तकरीबन पानी। हमें थोड़ा ही पानी डालना है क्योंकि इस ग्रेवी को हम थिक रखेंगे। ये हमारा बटर चिकन बनकर तैयार है और इसे हम गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम के साथ। ये देखिए कितना क्रीमी लग रही है, कितनी यमी है ये ग्रेवी। और आप इसे सर्व कर सकते हो नान के साथ। सब आज हम आपके लिए लाए हैं ढाबा स्टाइल बूना चिकन। हमें चाहिए 1 किलो चिकन जिसे हमने साफ करके रखा है, 1 कप दही चाहिए, लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच चाहिए चिकन मसाला। चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे। उसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन का पेस्ट और दही। मसाले को अच्छी तरह से मिला देंगे चिकन के साथ और उसे हम 1/2 आवर के लिए मैरिनेट करने को रख देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। 2 बड़े प्याज लिए हैं जिसको हमने बारीक चॉप किया है, 3 टमाटर है जिसका हमें प्यूरी बनाना है लहसुन अदरक डाल के, 3 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, जीरा, लहसुन और अदरक इनका हमें पेस्ट बनाना है टमाटर के साथ, ग्राइंड करना है, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला। कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच तेल, 1/2 टीस्पून उसमें हम डालेंगे 1/2 इलायची, 1/2 इलायची जैसे ही थोड़ा क्रैकर करने स्टार्ट करेगी फूटने लगेगी हम उसमें डालेंगे लवंग, 1/2 इलायची और दालचीनी, 3 तेज़पत्ता और जीरा। अभी हम इसमें डालेंगे हर प्याज जो हमने बारीक काट के रखा था,
उसको अच्छी तरह से घुमाएंगे और 5 मिनट तक हम उसे पकने देंगे। हल्का सा उसे लाइट ब्राउन करना है हमें। कलर भी चेंज हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी जो हमने बनाई, लहसुन अदरक डाल के। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 चम्मच धनिया पाउडर और चिकन मसाला 1/12 चम्मच। अब मसाले को कम ज़्यादा कर सकते हो जिस हिसाब से आपको स्पाइसेस पसंद है। मसालों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। 5 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। जब जैसे अच्छी तरह से मसाले मिल जाएं, हमारा ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अभी हम चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह मिला देंगे और उसे इसी में ही पकाना है। हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि इसमें दही डला हुआ है और चिकन भी अब पानी छोड़ता है, इसीलिए हमें पानी नहीं डालना है, इसी में ही हमें पकाना है इसी तरह ही। और हम भुना मसाला, भुना चिकन बना रहे हैं इसीलिए ग्रेवी नहीं बनानी है, ड्राई ही रखना है हमें। ये देखिए 5-5 मिनट में इसे आप घुमाते रहेंगे, पानी भी छोड़ेगा और चिकन मालूम भी पड़ेगा पक रहा है, कितना पका है। ये देखिए पानी खुद ब खुद छोड़ रहा है और मसाला भी अच्छी तरह से पक रहा है। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हो चिकन अच्छी तरह से पक रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये चिकन हमारा अभी बनकर तैयार हो चुका है। गरम मसाला डाल के ज़्यादा नहीं पकाना है तो उसकी फ्रेशनेस अच्छी रहती है। गरम मसाले के डालने के बाद हम उसे 1 मिनट ही पकाएंगे और उसे हम सर्व करेंगे। अभी सर्व कीजिए और उसे हरे धनिए और स्लाइस अनियन के साथ हम उसे गार्निश करेंगे। यह हमारा बनकर तैयार है डब्बा स्टाइल भुना चिकन। उम्मीद है आपको ये डिश हमारी पसंद आएगी। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई चिकन चिली। उसके लिए हमें चाहिए 3 कांदा लीजिए, 2 भरी शिमला मिर्च, बहुत ज़्यादा लहसुन और 1 अदरक का टुकड़ा, हरा प्याज की पत्तियाँ रखनी है सजावट के लिए, 1/2 किलो बोनलेस चिकन, 2 स्पून व्हाइट विनेगर एंड 4 स्पून डार्क सोया सॉस। यह है कॉर्नफ्लोर 3 बड़े चम्मच। कांदे को इस तरह से क्यूब्स में काटना है और उसके स्लाइसेस इस तरह से अलग अलग करके रखना है। कैप्सिकम के क्यूब्स अच्छी तरह से बना के अलग रखना है काट के। ये लहसुन को अच्छी तरह से कटिंग करना है, एक बार फाइन चॉप भी नहीं रहना चाहिए, विजिबल रहना चाहिए, दिखने आना चाहिए लहसुन जब आप ग्रेवी में डालेंगे तो। इसी तरह अदरक को भी काटना है, विजिबल रहना चाहिए वो भी। ये हरा प्याज को राउंड में ही कटिंग करेंगे, व्हाइट उसका अलग करना है और जो ग्रीन्स हैं वो अलग रखने हैं सजावट के लिए। हरी मिर्च को सिर्फ स्लाइस करना है, कटिंग नहीं करनी, चॉपिंग नहीं करनी।
अच्छी तरह साफ़ करके धो के उसको फोक की मदद से थोड़ा होल्स कर देंगे, जिससे मसाला अच्छी तरह से अंदर जाए, मैरिनेट अच्छी तरह से हो जाए। अभी चिकन में हम पहले नमक डालेंगे, उसके बाद ब्लैक पेपर, डार्क सोया सॉस 2 चम्मच, एक स्पून वाइट विनेगर। अभी चिकन को अच्छी तरह से मिला के आधे घंटे के लिए हम लोग रख देंगे रेस्ट के लिए। अभी आप देखेंगे चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, तो अभी हम बनाने जाएंगे। कढ़ाई लीजिए, उसमें ऑयल डालिए 3 चम्मच, तेल को थोड़ा गर्म होने दे और फिर चिकन मैरिनेट किया हुआ डालिए। चिकन को 3 से 4 मिनट तक पकाइए। ये जो है हम चिकन डायरेक्ट डाल रहे हैं, उसको हमने डीप फ्राई नहीं किया है, इसीलिए पहले हम चिकन को रोस्ट करके ले रहे हैं। अभी आप देखेंगे चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, लग रहा है वो थोड़ा पक चुका है। आपको जैसे ही लगे चिकन पक गया है तो उसे आप अलग से निकाल के प्लेट में रख दीजिए। उसी कढ़ाई में थोड़ा 2 चम्मच और तेल डाल के हम लहसुन डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक जो हमने बारीक काट के रखी थी, चॉप करके रखी थी। अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो हमने स्लाइस करके रखी थी। 2 मिनट इसको हम पकाएंगे हल्का सा, जैसे उसका थोड़ा फ्लेवर आए, थोड़ा खुशबू दिखे। अभी हम इसमें डालेंगे हरा प्याज, उसके बाद कांदा जो हमने क्यूब्स में कट करके रखा था वो भी अभी साथ में ही डालेंगे, और शिमला मिर्च जो हमने वो क्यूब्स में काटा था वो भी डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमें मसाले के हिसाब से डालना है क्योंकि हमने चिकन में डाला हुआ है। उसके बाद इसमें डालेंगे काली मिर्च और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। सबको हमें अच्छी तरह से मिलाना है, 2 मिनट के लिए हम इन्हें सौते करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। अभी हम इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस जो फ्राई करके रखे हुए हैं, इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये हमें थिक ग्रेवी करना है तो इसीलिए हम इसमें सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे और मिला देंगे। अभी कॉर्नफ्लोर का गोल बनाना है हमें, कॉर्नफ्लोर का गोल बना के वो कॉर्नफ्लोर का गोल हम इसमें डालने वाले हैं।
जस्ट कॉर्नफ्लोर के घोल को डाल के 2 मिनट हमें पकाना है, जैसे वो गाढ़ा हो जाए, ग्रेवी थिक हो जाए और कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। अभी आप देखेंगे ये थिक ग्रेवी हो गई है, कॉर्नफ्लोर का भी पानी पक चुका है, अच्छी तरह से चिकन बन गया है हमारा। अभी हम उसको प्रेजेंट करेंगे। आप चिकन को अभी प्लेट में निकालिए और गार्निशिंग के लिए हरा प्याज डालेंगे ऊपर से और पत्ता गोभी के साथ उसको सजाएंगे। आज की हमारी रेसिपी है चिकन कोलिवारा, जिसके लिए हमने यहाँ लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 बड़े चम्मच मैदा, नमक स्वाद अनुसार, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच सेजवान चटनी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, हरा धनिया सजावट के लिए। इन्हें साफ करके रखा है, इसमें हम पहले डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सेजवान चटनी, लहसुन अदरक का पेस्ट, कसूरी मेथी, कॉर्नफ्लोर 3 बड़े चम्मच, 3 बड़े चम्मच मैदा, 1 चुटकी ऑरेंज कलर एंड थोड़ा सा पानी। मसालों को सब अच्छी तरह से मिला देंगे चिकन के साथ और इसे मैरिनेट करेंगे 15 मिनट के लिए। चिकन जब तक मैरिनेट हो, हम यहाँ ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए। अच्छे से गर्म हो गया है, स्लो गैस करके हम चिकन के पीसेस डालेंगे और स्मॉल बैचेस में हम इसे फ्राई करेंगे। एक तरफ गोल्डन हो जाएगा तो ही हम साइड चेंज करेंगे इसका। ये देखिए गोल्डन हो चुका है और अच्छी तरह से फ्राई भी हुआ है चिकन। साइड चेंज करके उसको दूसरे साइड भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और 10 मिनट लगेगा खाली फ्राई होने के लिए, क्योंकि चिकन मैरिनेट किया हुआ है तो जल्दी ही पक जाता है और ये बोनलेस चिकन है। ये देखिए चिकन अभी हमारा दोनों तरफ से पक चुका है, अच्छा गोल्डन कलर आया है। अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे और इसे हम सजाएंगे हरे धनिए के साथ और अनियन रिंग्स के साथ। उम्मीद है दोस्तों यह हमारी रेसिपी आपको पसंद आएगी।